paratraveshu loshtavat, atmavat sarvabhuteshu sapashyati sapanditah. Lakshmi rahalya chennamma rudramamba suvikrama, nivedita sharadacha, pranamya matra devatah, pranamya matra devatah. Inhi shabdon se, aaj ka jo mission hai, mission for mother hai, उस पे मंच पर विराजमान परम सम्माननीय उषा दीदी जी, उषा ठाकुर जी एवं छतरपुर के सम्माननीय विधायक महोदया जी, ललिता यादव दीदी जी, हम सब लोगों के परम सम्माननीय गुड्डन पाठक जी भाई साहब एवं इस कार्यक्रम को माता के बारे में, अपनी माँ के बारे में और छुटपन में जो माँ हम लोग के साथ की है और हम लोग ने माँ के साथ कैसा व्यवहार किया और आगे करना क्या चाहिए, ये सब विषयों को लेकर मिशन फॉर मदर ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने वाले हम सब लोगों के सम्माननीय प्रवीण श्रीवास्तव भाई साहब एवं इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं अनुपमा जी और उपस्थित सभी अपनी माताओं को अपने प्यार भरे शब्द सुनने के लिए, प्यार भरे अपने चीज़ों को यहाँ पर बांटने के लिए पधारे हुए सभी बंधु भगनियों का, प्रबुद्ध वर्ग का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। अभी हम लोग के बीच में सम्माननीय माया मामी जी भी थी, उन्होंने अपने पूरे वक्तव्य हम सबके समक्ष रखा, उनका भी मैं तह दिल से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि कोई भी अच्छा काम होता है उसमें अच्छे लोगों का आना बहुत ज़रूरी होता है। जब अच्छा 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 होता है तो वो काम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए माया मामी जी सम्माननीय मंत्री है, वे आई लेकिन एक माँ के जो भी शब्द होना चाहिए उन्होंने उन बातों को हम सबके सम्मुख रखा, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम जब से सुने हैं मिशन फॉर मदर तो हमारे को प्रवीण जी भाई साहब का लिखा हुआ पुस्तक भी जब मैं पिछले भोपाल विजिट में आई थी हमको मिला था, और तब से हम सुन रहे हैं वो अपनी माता के लिए कितनी अच्छी बातें करते हैं, कहीं पे भी बैठते हैं तो अपनी माँ के बारे में बात करते हैं, और वो एक गांव में रहती है और अब तो रात को खाना पीना खाना भी छोड़ दिया, लेकिन गांव वालों को यदि छोटी सी भी समस्या होती है तो वो अपने बेटे को फोन करती है, ये समस्या है इसको तुम्हें किसी भी प्रकार से ठीक करना है। तो एक माँ ही है बच्चों को सही निर्देश देती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और विद्यालयों में जाते हैं तो आज के विद्यालयों में हम लोगों को वो संस्कार नहीं मिलता, और खासकर आज परिवार में भी वो संस्कार जिस प्रकार का हम लोग को चाहिए वो भी नहीं मिलता है। लेकिन माँ के पेट में जैसे ही बच्चा आ जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो बिटिया हो, वो जो भी सोचती है जिस प्रकार का विचार करती है तो उस प्रकार का वो पूरा बच्चा को पैदा करती है। उसके उदाहरण आप सब लोगों को पता है कितने लोग हुए होंगे, उसी में डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा जी ने एक छोटी सी कविता लिखी है वो हम आपके सम्मुख रखना चाहते हैं। जब गांधारी जी ने अपनी आंख बांध लिया तो उनके बच्चों का क्या दुर्दशा हुई, और वहीं पर यदि प्रहलाद की माँ भले राक्षस कुल में पैदा होती है लेकिन आंख खोलती है, दुनिया देखती है, अच्छी बातें सुनती है, प्रभु का स्मरण करती है, तो राक्षस कुल में भी कैसे प्रहलाद जन्म लेता है। तो उसी के ऊपर एक छोटी सी कविता है, तन्वी स्त्री वनिता महिला नारी नहीं माता बन जाओ, तन्वी स्त्री वनिता महिला नारी नहीं माता बन जाओ, मुक्त मोती मूंगा माणिक रत्न नहीं ममता बन जाओ, तेरी कृपा हो माता राक्षस, तेरी कृपा हो माता राक्षस, राम नाम गुण गाते हैं दुशासन दुर्योधन दोनों देव तुल्य हो जाते हैं, तेरी कृपा हो माता राक्षस राम नाम गुण गाते हैं दुशासन दुर्योधन दोनों देव तुल्य हो जाते हैं। माता यदि कर्तव्य निभाती, माता यदि कर्तव्य निभाती कौवा जयंत न बनता, माता यदि कर्तव्य निभाती कौवा जयंत न बनता, रावण हरण न करता सीता कंस कपट न करता, जीजा बाई बनो तुम मैया, जीजा बाई बनो तुम मैया बेटा शिवा बनाओ, जीजा बाई बनो तुम मैया बेटा शिवा बनाओ, अत्याचार मिटाकर जग में राम राज ले आओ, अत्याचार मिटाकर जग में राम राज ले आओ। लेकिन ये सब कविताओं में कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब हम सुनते हैं मदर मिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की जो लड़कियां हैं वो मातृत्व की बातें सुनना भी नहीं चाहती। किसी भी बेटे की शादी होने के बाद उसकी सासू माँ समझाती है कि बेटा जीन्स नहीं पहनना, क्योंकि आजकल हम पेपरों में पढ़ते हैं न्यूज़ में पढ़ते हैं बच्चे होने में बड़ा तकलीफ हो रही है, माँ नहीं बन पाओगे, तो वो बहू को लगता है हमारे पैरों में कुछ जंजीरें डाल रहे हैं, वो लड़की
लड़की ये नहीं समझ पाती है कि हमको माँ बनना कितना बड़ा वरदान है, और इस तरह की जो बातें हैं आज सच में वास्तव में माँ के लिए भी एक मिशन पैदा हो गया है। मिशन उसको लेना ही पड़ेगा। उसके घर में पैदा होने वाली प्रत्येक बच्ची जो है वो अच्छी माँ बने, अच्छी संस्कारवान शिक्षा दे सके, ये हम दूसरे प्रकार से विचार कर रहे हैं। प्रवीण जी तो अपनी माँ का मिशन लेके कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा समझते हैं यदि मैं दो बच्चियों की माँ हूँ तो मेरे लिए संकल्प ये होना चाहिए मेरी बच्चियाँ अच्छी माँ बने, अच्छी संस्कार वो बच्चों को दे दे। क्योंकि आज कितना भी अपना बड़ा बड़ा परिवार होता था वो आज छूट कर तोड़ कर छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज हो गया। लोग कहते छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन उन परिवारों में पैदा होने वाले बच्चों को किसी भी प्रकार का संस्कार नहीं मिल रहा, क्योंकि हम लोग के पास समय ही नहीं है कि हम अपने बच्चों के साथ अपने बेटों के साथ हम बैठकर एक वक्त का रोटी खा सके और थोड़ा समय उनके साथ खेल सके। इसीलिए अपने घरों के बच्चों के अंदर भी जो सहयोग की भावना होनी चाहिए, सद्भावना की भावना होनी चाहिए, स्वावलंबन की भावना होना चाहिए, दया की भावना होना चाहिए, आज हमारे बच्चों में भी नहीं दिखता है। इसीलिए जो व्यक्तिगत जीवन की बात हम लोग करें, पारिवारिक जीवन की बात करें, व्यावसायिक जीवन की बात करें, तो जिन घर में दिन भर व्यावसायिक जीवन में जहां समाज की कोई चिंतन ही नहीं होता, वो यदि बड़े बड़े पोस्ट में जाता है वो भी समाज की चिंता नहीं करता। इसीलिए अपने भारत देश को आसक्त जरूरत है बहुत अच्छी माँ की। भले हम लोग डॉक्टर बने, भले हम लोग इंजीनियर बने, भले हम लोग वकील बने, भले बहुत बड़े नेता बने, लेकिन हम अपने घर को छोड़कर आगे न बढ़े, यही आज के मदर्स के लिए सबसे बड़ा मिशन है। यदि हम लोग ने मिशन से भटक गए तो हम लोगों को आगे कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। तो इसीलिए स्त्री के लिए लोग कहते हैं पुरुष से 10 गुना उनके पास बुद्धि होती है, भले आप लोग मानते नहीं, और संस्कार दात्री के रूप में वह पति से 100 गुना अधिक होती है और आचार्य से 1000 गुना महिमाशालिनी अपनी संस्कार धात्री होती है। इसीलिए ऐसी धात्री को मेरी माँ का मैं एक उदाहरण देती हूँ। मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन मेरी माँ के बारे में हमको ऐसा लगता है हमने आज तक अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी माँ जब भी कोई अच्छा काम करने को निकलती थी हम जरूर उनको टोके हैं। एक जैसे अभी चित्रकूट में प्रभु राम की तपस्थली है, ऐसे भी गोदावरी तट पर भी पर्ण कुटीर बना हुआ आंध्र प्रदेश में है भद्राचलम में। मेरी माँ एक बार वहाँ तक जाती है, हम सबको ले जाती है, लेकिन हम माँ को जिद करते हैं। उनकी बड़ी इच्छा होती है कहाँ सीता मैया को रावण जी लेके गए वो देखने की, हम जिद करते क्योंकि छुपन में पता नहीं होता। हम माँ को कहते तुम्हें नहीं जाना। इतना इच्छा होते हुए भी मेरी माँ अपनी इच्छा छोड़ देती है। यदि मेरी माँ आज हमें बुलाती है आओ घर में शादी है, आओ थोड़ा आज हल्दी कुमकुम है, तो हमारे पास माँ के लिए समय नहीं है। तो इसीलिए और राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख जी जैसा व्यक्तित्व भी कैसे बनते हैं, उनकी माँ के पास वो छुटपन में देखते हैं। माँ जो करती है वही बच्चा करता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो माँ का अनुकरण करता है। तो माँ उनकी बैठी होती है, अचानक अतिथि आते हैं और अतिथियों को भोजन कराना होता है। घर में भोजन कराने के लिए कुछ नहीं होता, गरीबी इतनी होती है, तो उनकी माँ ना नहीं कह पाती है, इसीलिए पीछे के कुएं में जाकर खोद कर अपनी जान देती है। तो उन्हीं का देखते हुए मान्यवर नाना जी ने अपना जीवन लक्ष्य बनाते हैं, जो भी दुनिया में महिला दिखेगी नारी दिखेगी वो हमारे लिए माँ तुल्य होगा। तो इस तरह का एक माँ और होती है, इसीलिए माँ का जरूरी है, क्योंकि माँ जो करती है वही सही होता है, लेकिन बच्चे समझते नहीं है। एक बहुत बड़ा परिवार 8-10 बच्चे होते हैं और अचानक पिताजी का खत्म होना और माँ को वो लड़का कहता है जो भैया होता है छोटा सा, माँ रोज तुम दाल में पानी मिला कर क्यों खिलाते हो, गाढ़ी दाल हमको दे दिया करो, गाढ़ा दूध हमको दे दिया करो। माँ क्योंकि संस्कार देती है बच्चों को, तो वो माँ कहती है बेटा तुम यदि ज़्यादा गाढ़ा दूध पियोगे गाढ़ा दाल खाओगे, तुम पढ़ाई करते समय तुम्हें गैस बनेगा, तुम कभी डॉक्टर नहीं बन सकते। बस वो बात को वो दिल में बिठा लेता है वो लड़का, वो सोचता है पतली दाल खाना है पतली दूध पीना है, लेकिन बनना डॉक्टर है। ऐसा मिशन ओरिएंटेड यदि कोई बना सकता है तो वो सिर्फ माँ बना सकती है। इसीलिए आप सबकी माँ के चरणों में भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, क्योंकि माँ के बगैर कुछ हो नहीं सकता। बस छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। दुनिया का पहला प्रेम माँ, सबसे कीमती वरदान माँ, धरती पर ईश्वर की कहानी माँ, खुशियों के बाग में बागवान माँ, प्रकृति के सौंदर्य का पहला उपहार माँ,
कांटे भरे राह में फूलों का एहसास माँ, खुशियों के अनमोल खजाने की राह माँ, प्यार और डांट का खट्टा मीठा खेल माँ, गैरों की दुनिया में अपनों का विश्वास माँ, कुदरत की संपूर्ण व्यवस्थित व्यवस्था माँ है, माँ एक व्यवस्था है, उन व्यवस्था को हम लोग, वो संगठन को हम लोग कभी न भूले, जिस प्रकार हम लोग देख रहे कि वृद्धाश्रम की बातें जो हो रही है, अपने घरों की माँ, अपने घरों की महिलाएं, अपने घर के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में ना जाए, ऐसा अपना संकल्प आज लेकर जाने की जरूरत। और जो कोई भी किसी वजह से यदि वृद्धाश्रम में पहुंचा, अपनी माँ तो अपने को जन्म दी है, भले वो दूसरों की माँ हमें जन्म नहीं दिया, लेकिन उनके तरफ पे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको प्यार दे। माँ ने बनाया, पिता ने पहचाना, माँ ने शब्द दिए, पिता ने अर्थ, माँ ने विचार दिया, पिता ने स्वतंत्रता, माँ ने भक्ति दी, पिता ने वृत्ति, माँ ने शक्ति दी, पिता ने नीति। इसी परिश्रम के बल पर आज हम सब लोग, चाहे प्रवीण जी हो, गुड्डन पाठक जी भाई साहब हो, ललिता यादव जी हो, उषा ठाकुर जी हो, उषा दीदी हो, या संचालिका महोदया जी हो, आप सब लोग इन्हीं के बलबूते पे हम लोग आज इस स्थान पर है, उनका हम लोग तहे दिल से कोटि कोटि वंदन करते हैं। और चाहे वो धरती माता हो, चाहे गंगा मैया हो, ये सबको हम लोग पवित्र ढंग से रखें, ताकि हम लोग भी अच्छा एक समाज के लिए कथक का निर्माण करें, समाज में कोई गड़बड़ी ना हो और अपनी माँ का नाम कभी गड़बड़ ना हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। इन्हीं बातों से वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सत्य श्यामलाम मातरम, सत्य श्यामलाम मातरम, भारत माता की जय। तो ये थी हमारी मुख्य वक्ता, और इतना खूबसूरत वक्ता भी उन्होंने दिया है कि हम लोग तो गदगद हो गए। और डॉक्टर नंदिता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, और उनके इस उद्बोधन वक्तव्य के लिए जो है शीतल प्रसाद सोनी जी ने उनको कुछ उपहार स्वरूप भेंट किया है, और उनका भी हम आभार प्रदर्शन करना चाहेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हाँ, वो कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। आपका समय लेते हुए सर एक दुआ पढ़ रहा हूँ मैं।